गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग, जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग कंफर्म करिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टू क्लासेज हो नहीं पाई, कुछ कारण रहा, शादियाँ अटेंड करने के चक्कर में क्लासेस नहीं हो पाई। खैर चलिए, अब आपकी क्लासेस, कल संडे को भी क्लास होगी तो ध्यान रखिए सब लोग लाइव जल्दी से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है अनुराग? एक बार कन्फर्म करिए अनुराग, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये 39 लेक्चर 40 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये आपका 40 लेक्चर है, लेक्चर 40। 39 आप देख लिए होंगे क्योंकि पिछले लेक्चर भी इम्पोर्टेंट था और एक दूसरे सब कनेक्टेड लेक्चर चल रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि अभी बीच में आप आए और सारी चीजें समझ में आ जाए, तो आपको पिछले लेक्चर रिवाइज तो करने ही पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि हम शुरुआत में आपको पहले पॉइंट स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट दिए कि पॉइंट स्ट्रेस पर निकालना क्यों जरूरी हुआ। किसी एक प्लेन में अलग अलग पॉइंट पर स्ट्रेस अलग अलग हो सकता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 2-3 मिनट की बात है। तो हम सब लोगों ने क्या किया कि पहले पॉइंट स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट लिया, उस पॉइंट स्ट्रेस के बाद टेंसर्स की बारी आई, स्केलर, जीरो ऑर्डर टेंसर, वेक्टर, आपका फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, और स्ट्रेस, स्ट्रेन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर टेंसर, हायर ऑर्डर टेंसर हो गया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आया। फिर उसी में प्लेन और डायरेक्शन शो करना हमने बताया। फिर आपका 3x3 मैट्रिक्स जनरलाइज, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन लोडिंग हो तो जनरलाइज लोडिंग में जो स्ट्रेस टेंसर होगा 3x3 मैट्रिक्स बन गया, 9 एलिमेंट्स होंगे, आउट ऑफ 9 3 नॉर्मल होंगे और 6 क्या होंगे, शियर होंगे। और उस 6 शियर में से, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, उस 6 शियर में से क्या होगा कि 3 ही हमारे लिए जरूरी होगा, 3 हम बाय डिफॉल्ट कॉम्प्लीमेंट्री से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अलग अलग लोडिंग्स के लिए हमने आपका स्ट्रेस टेंसर रिप्रेजेंटेशन बताया कि यूनिएक्सियल के लिए 1/1, बाईएक्सियल के लिए 2/2, और प्योर शियर कभी यूनिएक्सियल हो नहीं सकता क्योंकि शियर आपका हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री के साथ आता है और कॉम्प्लीमेंट्री आपके अलग प्लेन में लगते हैं, तो आपका यूनिएक्सियल लोडिंग प्योर शियर नहीं हो सकता, शियर लोडिंग बाई एक्सियल या ट्राई एक्सियल ही होगा, ये गारंटी है। ठीक है, यूनिएक्सियल सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस की लोडिंग हो सकती है और यूनिएक्सियल लोडिंग करके ही हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई थी। इसके बाद शुरू हुआ कि हम अलग अलग प्लेन्स में स्ट्रेस कैसे निकालें। देखिए, फोर्स का क्या है, फोर्स को किसी एंगल पर पूछा जाए तो आप उसका रेजोल्यूशन बता दोगे, सर F cos थीटा होगा, इस डायरेक्शन में F cos थीटा होगा, एंगल पता हो, और उसके परपेंडिकुलर F sin थीटा, फोर्स को, पर स्ट्रेस को ऐसे रिजॉल्व नहीं कर सकते। ये बात भी हमने बताई थी आपको, अगर आप रिवाइज किए हो तो मान लीजिए इस पर स्ट्रेस 10 मेगा पास्कल है। ठीक है, तो इसके इस 45 डिग्री, इस वाले प्लेन पर अगर ये 45 डिग्री है तो कोई आपसे पूछे यहां क्या होगा, तो यहां पर आप 10 cos 45 नहीं बता सकते, नहीं, क्योंकि फोर्स तो ठीक है, फोर्स तो 10 cos 45, पर फोर्स अपॉन एरिया ये 10 मेगा पास्कल है ना, और ये एरिया जो होगा इस वाले एरिया से क्या होगा, ज्यादा होगा। ए अगर यहां पर है तो ए डैश ए से क्या होगा, ज्यादा, मतलब एरिया भी इफेक्ट डालेगा, तो ये आप 10 cos 45 नहीं लिख सकते। इसीलिए किसी एंगल पर, किसी भी एंगल पर या किसी एंगुलर प्लेन पर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला हमने आपको किया, और फॉर्मूला आप सब लोग कर लिए होंगे, याद भी होगा हमारे ख्याल से आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद भी होगा, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट की बात है। ये आपका सिग्मा एक्स, ये आपका सिग्मा वाई, और फॉर्मूला लिखने से पहले हम सब लोग ने डायरेक्शंस को तय किया था, ये टाउ एक्स वाई, ये आपका सिग्मा एक्स वैसे ही, और ये आपका सिग्मा वाई। इस सिचुएशन में किसी थीटा प्लेन पर, किसी थीटा प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस का मान, नॉर्मल स्ट्रेस का मान सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस, अच्छा प्लस क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, ये बात हुई थी। इसके बाद इस पर सीयर का मान अगर कोई पूछे, सीयर का टाऊ का मान, तो टाऊ एक्स डैश वाई डैश जो होगा, या सिग्मा टी इसको बोल सकते हैं, कहीं कहीं आपको सिग्मा टी लिखा रहेगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस ही सीयर स्ट्रेस है, तो ये होगा माइनस टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई
cos 2 थीटा, तो ये जनरल किसी भी थीटा एंगल पर आप बता सकते हैं, आसान था। फिर हमने सोचा कि किस थीटा पर सिग्मा मैक्सिमम होगा, जिस थीटा पर सिग्मा मैक्सिमम होगा वही आपका प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा। दो तीन बातें फिर सुनिएगा, प्लेन एट विच नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम और मिनिमम इज नोन एज प्रिंसिपल प्लेन। कौन सा प्लेन? एट विच नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम और मिनिमम इज नोन एज प्रिंसिपल प्लेन। पहली बात, द प्लेन एट विच शियर स्ट्रेस इज जीरो, क्योंकि जहां नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमम होगा तो आप डिफरेंशिएट किए थे तो शियर का फॉर्मूला आ गया था, द प्लेन एट विच शियर स्ट्रेस इज जीरो इज नोन एज प्रिंसिपल प्लेन। द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, द वैल्यू ऑफ, देखिए प्लेन प्रिंसिपल प्लेन हुआ पर उस पर कुछ नॉर्मल भी तो होगा, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एट द या फिर ऑन द प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल प्लेन पर जो भी वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाएगा। बात समझ में आ रही? क्लियर हो गया ना? और अगर कोई पूछे प्रिंसिपल प्लेन पर शियर का मान क्या होता है, तो जीरो होता है, क्योंकि जहां जीरो होता है वही प्रिंसिपल प्लेन होता है। तो प्रिंसिपल प्लेन पर शियर का मान क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर हुआ सब कुछ? आई थिंक यहां तक बात हो गई थी। और टेन टू जैसे ये था, ये आपका जनरलाइज लोडिंग कंडीशन दिया हुआ है, ये आपका एक लोडिंग कंडीशन है, और आपने कहा कि हमें कोई एक थीटा एंगल पर किसी एक प्लेन में नॉर्मल का मान बताओ। यहां पर हम क्या बताना चाहते हैं आपसे? नॉर्मल का मान। और यहां पर हम आपसे क्या जानना चाहते हैं? शियर स्ट्रेस का मान, सिग्मा टाऊ एक्स डैश वाई डैश चाहते हैं और सिग्मा एक्स डैश चाहते हैं। तो इस पर आप थीटा एंगल पर ये प्लेन घुमा कितना है? थीटा एंगल किससे? एक्स प्लेन से। तो आप इस पर फॉर्मूला जब होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस साइन टू थीटा टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। सिग्मा एन इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक ऑब्लिक प्लेन विच इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा फ्रॉम एक्स फेस। तो जो नॉर्मल, ये थोड़ा सा रिवाइज चल रहा है, ये हो चुका है हम मान रहे हैं, पर थोड़ा सा 5 मिनट और सब्र रखिए, सारी चीजें नहीं हो जाएंगी, परेशान नहीं होना है। तो ऑब्लिक प्लेन पर, ऑब्लिक प्लेन कौन सा है? इंक्लाइंड एट थीटा फ्रॉम एक्स फेस, एक्स फेस से थीटा एंगल पर हो तो उस पर नॉर्मल स्ट्रेस का मान है। अगर सिग्मा एन पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या है? टेंसाइल। अगर सिग्मा एन निगेटिव आया तो इसका मतलब क्या है? कंप्रेसिव। टाऊ का मान, अब यहाँ सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स लिखा है, लेकिन आप सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई और माइनस कॉमन लेके लिखेंगे, जैसे आपको याद करने की। अब जैसे ये आपका अगर पॉजिटिव आए तो इस प्लेन पर टेंसाइल, अदरवाइज कंप्रेसिव। टेंसाइल मतलब दूर दूर जाए और कंप्रेसिव मतलब पास पास आना, ठीक। लोकेशन ऑफ प्लेन, लोकेशन ऑफ प्लेन कौन से प्लेन का? ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, यही बात है। मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस जहां होगा वहीं से बात शुरू होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। और आपने देखा नॉर्मल स्ट्रेस क्या था? थीटा का एक फंक्शन था। तो मैक्सिमम के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, जीरो कर दिया। और डिफरेंशिएट करने पर संयोग की बात है कि ये टाऊ का ही फार्मूला है, ये आपका किसी जनरलाइज्ड थीटा एंगल पर टाऊ का फार्मूला है, तो ये जीरो हो रहा है। और जब ये जीरो हो रहा है तो आप खुद कह रहे हैं दो बातें, जहां टाऊ जीरो वहीं पर आपका सिग्मा एन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, या फिर जहां सिग्मा एन मैक्सिमम मिनिमम होता है वहां टाऊ जीरो होता है, ठीक है? समझ में आ गए? द प्लेन वेयर सिग्मा एन इज मैक्सिमम और मिनिमम, द प्लेन कौन सा प्लेन? एट विच सिग्मा एन इज मैक्सिमम और मिनिमम एट दैट प्लेन ऑलवेज टाऊ विल बी जीरो, उस प्लेन में शियर हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। आगे द प्लेन वेयर, अब दूसरी तरीके से इसी बात को बोल रहे हैं, द प्लेन वेयर टाऊ इज जीरो वही आपका मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल प्लेन होगा और क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल प्लेन। द प्लेन वेयर टाऊ इज जीरो इज नोन एज प्रिंसिपल प्लेन एंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेसेस कार्यरत एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल प्लेन, नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल प्लेन पर लगने वाला नॉर्मल, नॉर्मल प्रिंसिपल है, शियर प्रिंसिपल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आइए मेजर और माइनर दो बातें आ जाती, एक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, एक
मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस आर से मेजर बोले या माइनर बोले, मेजर मतलब मैक्सिमम और माइनर का मतलब मिनिमम, माइनर मतलब छोटा होता है भाई माइनॉरिटी तो छोटा, तो कोई माइनर, माइनर मींस मिनिमम और मेजर मींस मैक्सिमम, प्लेन ओवर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज एक्टिंग, द प्लेन एट विच प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर एक्टिंग, ये बोलना चाहिए, द प्लेन एट विच प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर एक्टिंग इज कॉल्ड या इज नोन एज प्रिंसिपल प्लेन, और व्हिच आर वही क्या है, वही क्या है मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन। आपने इसको जीरो किया, टेन टू थीटा आ गया, टेन टू थीटा पी इक्वल टू टाउ एक्स वाई, टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, tan 2 theta p equal to 2 tau xy। अब यहीं पर आपका दो बातें हो सकती है, theta p2 भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि tan 2 theta p, tan 2 theta p जो होगा वो होगा tan 2 times of pi plus theta, sorry pi by 2 plus, फिर से लिख देते हैं, टेंशन ना लीजिए, tan 2 theta p जो होगा वो आपका tan, देखिए आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये आपका आएगा पाई प्लस टू थीटा, अगर ये p1 मान ले थीटा p2 होगा, इन दोनों के बराबर होगा, सॉरी ये भी p1 मानो, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 180 प्लस थीटा और tan थीटा दोनों बराबर होते हैं, तो इसको मान ले, तो चाहे इसको अगर हम देखें इसको p2 मान लो और ये p1 है, तो उस केस में थीटा p2 इक्वल टू पाई बाई टू प्लस थीटा पी वन आएगा, थीटा पी वन आपका प्रिंसिपल प्लेन है, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, थीटा पी टू मिनिमम। इसका मतलब अगर आपका दूसरा प्लेन जो आपका थीटा पी टू पर है उस पर भी मैक्सिमम मिनिमम होगा और थीटा पी वन पर भी मैक्सिमम मिनिमम होगा, दो एंगल्स आपको मिलना है जिसपे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है भाई, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो नॉर्मल स्ट्रेस होगा मैक्सिमम या मिनिमम होगा, और इस पर दो ऐसे एंगल्स मिल रहे हैं जिस पर प्रिंसिपल प्लेन मिल रहा है, तो आपको ये वाला या ये वाला, तो दोनों प्रिंसिपल प्लेन होंगे, दोनों प्रिंसिपल प्लेन होंगे, थीटा प्लेन अगर 30 डिग्री है तो 120 डिग्री भी है, अगर 30 डिग्री है तो 120 डिग्री पर भी प्रिंसिपल प्लेन होगा, वहां पर भी शियर जीरो होगा। एक बात आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री पर कॉम्प्लीमेंट्री शियर आता है, तो किसी एक प्लेन में शियर जीरो हुआ तो दूसरे 90 डिग्री पर भी शियर जीरो होना है, किसी एक प्लेन पर अगर शियर जीरो हुआ तो 90 डिग्री पर भी शियर जीरो होना ही है, तो दोनों प्रिंसिपल प्लेन है, पर दोनों प्रिंसिपल प्लेन के बीच का कोण क्या होगा, तो दो प्रिंसिपल प्लेन्स के बीच मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होता है 90, एक अगर 15 डिग्री पर है दूसरा 105 पर होगा, मतलब हमेशा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा, प्रिंसिपल प्लेन के बीच में फेज डिफरेंस कितना रहेगा 90 डिग्री, एंगल बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन या नॉर्मल स्ट्रेस विल बी या इज, यहां कर लीजिए विल बी नहीं इज 90 डिग्री, द एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन्स, एंगल बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन इज 90 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा ठीक है, हमेशा ये 90 डिग्री होता है। अगला ये हो गया, अब जैसे इसी में आप ध्यान से देखें तो ये लोडिंग कंडीशन है, ये कोई जनरल लोडिंग कंडीशन है, लोडिंग कंडीशंस आपको दी हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया हुआ है और टाउ एक्स वाई दिया है, आपसे पूछा गया कि गुरुजी किस प्लेन पर सिग्मा मैक्सिमम होगा, तो आपने कहा थीटा पी वन पर, तो हम इसको थीटा पी वन घुमा दिए, ऐसे कितना घुमा दिए थीटा पी वन घुमा दिए, और थीटा पी वन पर नॉर्मल का मान कितना आया सिग्मा वन, थीटा पी वन पर नॉर्मल का मान कितना आया सिग्मा वन आया, क्लियर हुआ, थीटा पी वन पर आपका नॉर्मल स्ट्रेस का मान आ गया सिग्मा वन, ठीक। अब आपने कहा कि गुरुजी इससे इससे और इससे और अगर हम 90 थीटा एंगल चले, देखिए एंगल तो हमेशा एक्स प्लेन से ही ना पा जाएगा, तो इस वाले का एंगल क्या होगा, अगर ये थीटा पी वन है, ये वाला थीटा पी वन है, ऐसे एक लाइन बनाए और ये थीटा पी वन है, तो इस वाले प्लेन का या फिर इस वाले प्लेन का एंगल क्या होगा, तो ये अगर थीटा पी वन है, ये थीटा पी वन है, तो ये 90 ही तो है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा पी वन, यहां पर जो होगा वो क्या होगा सिग्मा टू होगा, यहां पर जो होगा वो क्या होगा सिग्मा वन होगा, यहां पे क्या होगा सिग्मा टू होगा, यहां पे क्या होगा सिग्मा वन होगा,
ये सिग्मा वन है, ये सिग्मा टू है, तो मतलब 90 प्लस थीटा पर आपका क्या होगा, 90 प्लस थीटा पर दो प्लेन्स आपको दिख रहे हैं ना, क्लियर? फिर से आइए इसको थोड़ा और क्लियर दिखा दे रहे हैं। ये एक लोडिंग कंडीशन है ऐसी, सिग्मा एक्स और ये सिग्मा वाई, और ये अब दोनों तरफ नहीं लिख रहे हैं, एक ही तरफ लिखें, बना जरूर दे रहे हैं, ये टाऊ एक्स वाई। आपने कहा कि इस एंगल पर गुरुजी, इस वाले एंगल वाले प्लेन पर थीटा पी वन पर, यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वन है, तो इससे जो 90 डिग्री पर होगा ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, इस पर सिग्मा टू होगा, इससे 90 डिग्री पर, इस पर क्या होगा, सिग्मा टू होगा। तो जब आप उस वाले रेक्टेंगल को बनाना चाहेंगे तो वो ऐसे बनेगा, वाला रेक्टेंगल ऐसे बनेगा, इधर की तरफ सिग्मा वन, इधर की तरफ सिग्मा टू, इधर भी वही सिग्मा वन और इधर भी वही सिग्मा टू, ये घुमा हुआ है, कितना घुमा है, थीटा पी वन। अगर हम इसका एंगल एक्स से नापे ऐसे, तो ये वाला एंगल आएगा थीटा पी वन प्लस 90, थीटा पी वन प्लस 90, क्लियर हो रहा ना? और इस पर सीयर क्या होगा भाई, इस वाले सेक्शन पर सीयर क्या होगा, तो इस वाले सेक्शन पर सीयर जीरो, प्रिंसिपल प्लेन है, प्रिंसिपल प्लेन अपने आप ही बता रहा है कि भैया हम सीयर जीरो हैं, तो सीयर जीरो होगा, क्लियर हो गई? इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए कि कौन से दो प्लेन, तो ऐसे एक थीटा पी वन और एक थीटा पी टू, दोनों के बीच का एंगल, दोनों प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ये सब अपने आप में क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, ठीक है। एट प्रिंसिपल प्लेन द वैल्यू ऑफ सीयर स्ट्रेस इक्वल टू जीरो, द प्लेन एट व्हिच सीयर स्ट्रेस इज जीरो इज नोन एज प्रिंसिपल प्लेन। सारी बातें सही है। द एंगल बिटवीन टू प्रिंसिपल प्लेन्स, द एंगल बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन, द एंगल बिटवीन मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। अगला देखिए, अब आया मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। भाई आप तो ये जान पाए कि मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहां होता है, तो आपने कहा दो एंगल्स पर, एक थीटा पी वन पर और एक थीटा पी टू पर। थीटा पी वन इससे निकाल लेंगे, टू टाउ एक्स वाई, अरे भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ एक्स वाई अपान सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, टू ऊपर लेके चले, इससे निकाले एक एंगल आया, और जब ये हमें एंगल पता चल गया कि इस एंगल पर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, जब ये हमें एंगल पता चल गया, तो जो जनरल फार्मूला था हमारे पास कि किसी भी थीटा पर आंसर देने वाला, किसी भी थीटा पर आंसर देने वाला जो जनरल फार्मूला था, उसमें हमने थीटा का मान रख दिया, और जब टेन टू थीटा का मान रख दिए, टेन टू थीटा मालूम है तो साइन टू थीटा भी मालूम है, कॉस टू थीटा भी मालूम है, बस, और जब रख दिए तो हमें ये आया, ये सिग्मा एन, मतलब सिग्मा, अरे प्लस माइनस क्यों लगा देते हैं, जैसे अब जब यहां पर आप क्या करेंगे, 90 प्लस टू थीटा वाला रखेंगे, ये टू थीटा ये है, पर 90 प्लस टू थीटा भी तो रखेंगे तो सिग्मा टू आएगा, तो यहां पर जब सिग्मा टू लेंगे तो माइनस आ जाएगा केवल, बस। तो यहां ध्यान रखिए दो चीजें एक साथ लिखी हुई है, सिग्मा वन कॉमा सिग्मा टू, सिग्मा वन मतलब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों लिखा है, मैक्सिमम क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, और दूसरा प्लस माइनस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस वन के लिए माइनस टू के लिए, प्लस वन के लिए माइनस टू के लिए, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो हम सारी चीजें जान गए कि प्रिंसिपल स्ट्रेस किस प्लेन में होगा और कितना होगा, और उस प्लेन में सीयर जीरो होता है, ये जान गए। यही सब चीजें पूछी जाएंगी कि प्रिंसिपल प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल बताओ, क्या प्रिंसिपल प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल जीरो भी हो सकता है, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका एक्स फेस ही प्रिंसिपल प्लेन हो, अगर एक्स फेस ही प्रिंसिपल प्लेन हो तो गारंटी है एक्स फेस ही प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसी एक्स फेस पर ही स्ट्रेस क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस। खैर चलिए न्यूमेरिकल बात करेंगे, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा
एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चंस करिए खूब ढेर सारे क्वेश्चंस। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि भैया ये आपका 10 मेगा पास्कल है और ये आपका 5 मेगा पास्कल है, और ऐसे सिचुएशन है, इसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का मान बताओ, इसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का मान बताओ। तो एक तो आपके पास फार्मूला है, फार्मूला लगा दो, और एक आपके पास दिमाग है, दिमाग शायद है थोड़ा बहुत है। तो अगर आपके पास दिमाग है तो गुरुजी यहां सीयर जीरो है, और सीयर अगर जीरो है तो भाई हम पहले बता दे रहे हैं सीयर जिस पर जीरो है, यहां सीयर दिया नहीं है, तो ये सीयर क्या है यहां पर जीरो, और जब सीयर जीरो है तो ये प्रिंसिपल होगा, ये गारंटी है, और प्रिंसिपल होगा तो सिग्मा वन 10 मेगा पास्कल हो गया, और वो दूसरा वाला सिग्मा टू जो हो गया वो -5 मेगा पास्कल हो गया। हो गया आंसर है इसे देख के, जहां सीयर जीरो होता है वही प्रिंसिपल प्लेन होता है, और संयोग से यहां सीयर जीरो है, और अगर सीयर जीरो है तो ये प्रिंसिपल प्लेन है, तो मैक्सिमम कौन 10 और मिनिमम कौन -5। अब कोई फार्मूले से गुरुजी रटेंगे, फार्मूला हम ही रटेंगे, सिग्मा एक्स यहां 10 है, सिग्मा वाई यहां -5 है, और सिग्मा वाई क्या है -5 है, और टाऊ एक्स वाई क्या है जीरो, टाऊ एक्स वाई क्या है जीरो नहीं है, और जब tau xy 0 है तो सिग्मा 1 का मान क्या होगा 10 सिग्मा x प्लस सिग्मा y, सिग्मा x प्लस सिग्मा y किए हैं पर माइनस उस संयोग से कि वो है माइनस, किए हम सिग्मा x प्लस सिग्मा y by 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा x माइनस और माइनस अब प्लस हो जाएगा by 2 का होल स्क्वायर प्लस tau स्क्वायर 0 स्क्वायर। तो ये आपका आएगा 2.5, 10 में से 5 गए बटे 2, और ये आएगा 7.5, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। अगर यही सिग्मा 2 करते तो 2.5 -7.5 आता, और सिग्मा 2 क्या आता है -5। तो आप पहले भी तो बता दिए थे, देख के भी फार्मूले से भी आप करिए वही आएगा, फार्मूले से भी तो आप कर रहे हैं वही आ रहा है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, करिए सब कुछ वही आएगा। समझ में आया? तो सिग्मा वन सिग्मा टू जहां सीयर जीरो दिखे तुम भाई सिग्मा वन या सिग्मा टू हो, अब उन दोनों में जो बड़ा हो सिग्मा वन, जो छोटा हो सिग्मा टू। बढ़ के लोग बड़े हो गए, मेजर हो गए, क्लियर हो रही ना बात? अब कोई कहा कि नहीं नहीं हम क्या ये एक्सप्लेन प्रिंसिपल प्लेन है, बिल्कुल एक्सप्लेन प्रिंसिपल प्लेन है क्योंकि यहां पर सीयर जीरो है। क्या वाई प्लेन प्रिंसिपल प्लेन? हाँ प्रिंसिपल है, पर एक मेजर है और एक माइनर है, एक मेजर और एक एक्स भी प्रिंसिपल प्लेन है, वाई भी प्रिंसिपल प्लेन है, क्लियर। जैसे आप जैसे टेन टू थीटा तो क्या करते टाऊ एक्स वाई, टू टाऊ एक्स वाई, टाऊ एक्स वाई जीरो हो जाता, तो यहां से थीटा पी वन जो आता है वो जीरो डिग्री आता। अरे भाई नीचे टू टाउ एक्स वाई अपन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई करते क्या फायदा, जीरो हो गया। अब थीटा पी वन अगर जीरो है थीटा पी टू 90 होगा, थीटा पी वन जीरो मींस एक्स प्लेन, 90 मतलब वाई प्लेन, जीरो मींस एक्स प्लेन और 90 मींस वाई प्लेन। क्लियर हुआ ये केस? एकदम क्लियर हुआ अनुराग? बताइए आप चाहे फार्मूला लगाए चाहे आप अपना दिमाग लगाए, बिल्कुल समझ में आया। चलिए एक और केस इसका बताइएगा, अगर कोई एक लोडिंग है और वो प्योर, इसको बोल जाता है प्योर सीयर कंडीशन, इसमें आप बताइए प्रिंसिपल प्लेन कहाँ होगा? ये आपका 10 मेगा पास्कल का सीयर स्ट्रेस केवल है। सेकंड केस, सिग्मा वन सिग्मा टू का मान बताइए। पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा वन एंड सिग्मा टू एंड द लोकेशन ऑफ सिग्मा वन एंड सिग्मा टू, मतलब आपको थीटा पी वन एंड थीटा पी टू चाहिए। अब देखिए पी टू निकालेंगे नहीं, पी वन केवल निकालेंगे, 90 जोड़ देंगे पहला ये, और सिग्मा वन और सिग्मा टू चाहिए, ये दोनों आपका क्वेश्चन मार्क है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, दोनों याद रखते हैं,
कौन सा भाई, दोनों याद करने की जरूरत है आपको। दो फॉर्मूले प्लस माइनस रखिए क्या दिख, जहां सीयर जीरो हो जाए, जहां सीयर जीरो दे वो प्रिंसिपल प्लेन। इसमें आपको ये निकालना है प्योर सीयर की कंडीशन है। क्यों प्योर सीयर बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें नॉर्मल लोडिंग है ही नहीं, प्योर सीयर। अब क्या होता है ना, आप सब लोग मर्ज करने लगते हो चीजों को, इसलिए हम आपको ये सब करा रहे हैं। क्या ये प्रिंसिपल प्लेन है, पहले ये बताओ क्या ये एक्स प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है, पहला क्या ये प्रिंसिपल प्लेन है, क्या ये प्रिंसिपल प्लेन है? नहीं, प्रिंसिपल प्लेन ये नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर सीयर जीरो नहीं है, इस पर सीयर जीरो नहीं है। तो यहां पर नॉर्मल भले जीरो है, तो ये जब प्रिंसिपल ही नहीं, तो ये बताएगा कि यहां का नॉर्मल स्ट्रेस जीरो है। मान रहे हैं बिल्कुल यहां का नॉर्मल स्ट्रेस जीरो है, यहां का नॉर्मल क्या है, जीरो है, पर ये प्रिंसिपल प्लेन ही नहीं है भाई। तो ये जब प्रिंसिपल, तो कहीं होगा किसी प्लेन में प्रिंसिपल प्लेन होगा, तो हम माने किसी एंगल पर होगा, पता नहीं कहां होगा, जहां टाउ जीरो हो जाए किसी एंगल पर, और वही एंगल ही तो आपको बताना है। और 90 जोड़ देंगे तो दूसरा एंगल मिल जाएगा, 90 जोड़ देंगे तो दूसरा प्लेन मिल जाएगा। मतलब ये ऐसा कोई प्लेन हमें मिलने वाला है जहां पर सिग्मा वन यहां होगा और सिग्मा टू यहां होगा, और ये आपका थीटा पी एंगल, वही थीटा पी वन आपको बताना है। ये पी वन है, 90 जोड़ दो तो पी टू मिल जाएगा। अब ये ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश फार्मूले से अगर करो तो क्या था, टेन टू थीटा पी इक्वल टू टाउ एक्स वाई, जो कि 10 है, टू टाउ एक्स वाई जो कि 2 × 10 अपन सिग्मा एक्स जीरो है, सिग्मा वाई भी जीरो है। इस लोडिंग में अगर देखें तो सिग्मा एक्स भी जीरो है और सिग्मा वाई भी जीरो है। तो यहां से आएगा टेन टू थीटा पी इक्वल टू इनफाइनाइट इक्वल टू टेन 90, और टेन 90 मतलब थीटा पी क्या आ गया, 45 डिग्री। ठीक है तो यार इसमें कौन सी कठिन चीज है जो आपको नहीं आती, आप करना नहीं चाहते ना, दिक्कत ये हो रही है। आप हम बताइए इसमें कौन सा जादू कर दिए, आप बताइए। एकदम आसान चीजें थी, सिर्फ वैल्यू रखने और ईमानदारी से रखना है बस। हमें समझ में आया सर यहाँ कोई नहीं, ठीक है नॉर्मल जीरो है, यहाँ भी नॉर्मल जीरो है, पर ये नहीं कि तुरंत यहाँ नॉर्मल जीरो तो ही प्रिंसिपल प्लेन, ये कौन बताया? यहाँ सीयर जीरो नहीं तो प्रिंसिपल कैसे हो सकता है भाई, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है। क्लियर हुआ? तो ढूंढने की कोशिश, और ढूंढने में फार्मूला हमारे पास है, और क्या है, और कोई तरीका है क्या? कुछ नहीं अभी तक, मोहर सर्किल होता तो शायद कर लेते। फिर आ गया 45, और जब ये 45 आ गया तो इसी 45 पर मतलब थीटा पी वन जो हो गया वो हो गया 45 डिग्री, और थीटा पी टू जो हो गया वो क्या हो गया, थीटा पी टू हो गया 135 डिग्री। इस कंडीशन में, केवल इस कंडीशन के लिए आंसर है। अलग अलग लोडिंग होगी, अलग अलग वैल्यू आएगा भाई, अलग अलग लोडिंग में। इस समय, हाँ इस समय से हो रहे कि 45 और 135 होगा। अब सिग्मा वन क्या होगा, तो सिग्मा वन जो होता है वो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स प्लस वही कर रहे हैं अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई, यहाँ टाउ संयोग से 10 दिया हुआ था का स्क्वायर। तो क्या सिग्मा वन जो है वो 10 आ गया, 10 मेगा पास्कल आ गया, और सिग्मा टू अगर निकालेंगे तो -10 मेगा पास्कल आएगा। देखिए देखिए ध्यान से, हमें फॉर्मूला भाई अपना है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू जो है वैसे रखो। सिग्मा एक्स जीरो था, जीरो था, सिग्मा वाई जीरो, जीरो है, जीरो प्लस जीरो बाई टू प्लस जीरो माइनस जीरो बाई टू प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, एक बार यहाँ माइनस लोगे तो सिग्मा टू आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हम ये गलत, अब यहाँ पर तुरंत आप कहोगे गुरु जी ये गलत मान लिए थे, ये थोड़ा गलत मान लिए थे, ये कंप्रेसिव होगा, ये क्या होगा, ये तो टेंसाइल होगा, ये 10 मेगा पास्कल टेंसाइल होगा, और ये 10 मेगा पास्कल क्या होगा, कंप्रेसिव। क्यों, कैसे कंप्रेसिव गुरु जी, आपको पता चला, क्योंकि हमारा सिग्मा 2 -10 आया, सिग्मा 2 क्या आया, -10 आया, और माइनस कह रहा है कि जो मिनिमम वाला है वो गुरु जी कंप्रेसिव है।
एकदम क्लियर हो रहा ना, एक क्वेश्चन और करिए और आप देख के आंसर करिए, केवल देख के। मान लीजिए ये आपका 10 मेगा पास्कल है। अब आप इसमें इस लोडिंग कंडीशन में, थर्ड केस है, इस लोडिंग कंडीशन में आपको सिग्मा, पहले थीटा पी वन पी टू बता दो, थीटा पी वन थीटा पी टू बता दो, दूसरा आप सिग्मा वन और सिग्मा टू बता दो, देख के बताना है, केवल कोई उंगली नहीं चलाना है फालतू का, देख के आंसर बताओ। थीटा पी वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा पी वन? शिवानी सिंह जी गुड मॉर्निंग, आप लोग क्या करें ना, रेगुलर क्लास अटेंड करें भाई, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब बहुत चीजें जुड़ के चलेंगी, कल की क्लास आज की क्लास, आज हमने काफी कुछ आपको रिवाइज इसलिए करा गया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए तो इस सिचुएशन में आपको पहले थीटा पी वन और थीटा पी टू, अब आप थीटा पी वन प्रिंसिपल प्लेन का एंगल बताएं, तो एक तो आपके पास फार्मूला मेथड है जो आप फार्मूले से लगाएंगे, एक देख के बताइए क्या एक्स प्लेन आपका प्रिंसिपल प्लेन है। अनुराग तुम बताओ क्या यहां पर एक्स प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है? क्या एक्स प्लेन, बिल्कुल, वाई प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है? ये बात कैसे तय हुआ, एक्स प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है या वाई प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है? अच्छा वाई प्रिंसिपल प्लेन नहीं है क्या? वाई प्रिंसिपल प्लेन की क्राइटेरिया कहां है? जहां पर शेयर जीरो हो जाए भाई, वहां नॉर्मल भी जीरो ये कोई बात नहीं, लेकिन शेयर जहां जीरो हो, प्रिंसिपल है इसकी गारंटी। तो एक्स प्लेन भी प्रिंसिपल प्लेन है और वाई भी प्रिंसिपल प्लेन है, और एक्स वाले का स्ट्रेस जो है वो -10 मेगा पास्कल है और वाई वाला स्ट्रेस जीरो है, थीटा पी वन 90 डिग्री और थीटा पी टू 0 डिग्री। नहीं समझ में आया, सीयर से सिर्फ डिफाइन होगा प्रिंसिपल, भाई सीयर यहां जीरो है, सीयर इस पर भी जीरो है, ये भी यहां भी सीयर जीरो, यहां भी सीयर, और वैसे भी यहां अगर सीयर जीरो हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री तो जीरो होना ही है। तो जब एक प्लेन आपका प्रिंसिपल हो गया तो 90 डिग्री पर दूसरा प्रिंसिपल होना ही होना है, यहां भी सीयर जीरो यहां भी सीयर जीरो, देखिए ध्यान से, तो दोनों प्रिंसिपल प्लेन है, यहां का नॉर्मल एक प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, यहां का भी नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेस, मतलब जीरो भी प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा और -10 भी प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, पर मेजर कौन? तो जीरो वाला मेजर और माइनर कौन? -10, छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर। अब जैसे फॉर्मूले से अगर करें तो गुरुजी यहां पर सिग्मा एक्स जो है वो -10 है और सिग्मा वाई जो है वो आपका, सिग्मा वाई आपका जीरो है और टाउ एक्स वाई क्या है? जीरो है। इस लोडिंग कंडीशन में अगर हम आपसे सिग्मा एक्स पूछें, इस लोडिंग कंडीशन में एक्स डायरेक्शन में लोडिंग पूछें, तो आप कहोगे -10 है, सिग्मा वाई जीरो है, टाउ एक्स वाई जीरो है। अब जब फॉर्मूला लिखोगे टेन टू थीटा पी वन, पी वन इक्वल टाउ एक्स टू टाउ एक्स वाई -10 -0, तो ये आपका जीरो आएगा, टू टाउ एक्स वाई, तो थीटा पी वन यहां से जो आएगा, ठीक है, थीटा पी वन, अब ध्यान रखिएगा, थीटा पी वन यहां पर जो आएगा वो जीरो आएगा और थीटा पी टू कैलकुलेशन से जो आएगा वो क्या आएगा? 90 आ जाएगा। अब अगर हम आपसे सिग्मा वन पूछे तो सिग्मा वन आप क्या करो, सिग्मा एक्स प्लस -10 प्लस 0/2 प्लस माइनस, तो प्लस लेंगे जब सिग्मा वन लिखेंगे, प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स -10, सिग्मा एक्स -10 -0/2 का होल स्क्वायर और प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, तो यहां से सिग्मा वन जो आएगा वो -5 और यहां से +5 इक्वल टू क्या जाएगा? जीरो। और सिग्मा टू जो आएगा, सिग्मा टू जो आएगा वो आएगा -5 और -5 इक्वल टू -10। अगर कैलकुलेशन से करें तो, ये कैलकुलेशन से, अब यहां पर जीरो तो आपका यहां टू थीटा भी, तो ये 180 भी तो ले सकते थे, जीरो के बजाय 180 भी तो ले सकते थे, तो 90 हो जाएगा, ये आपका सही, जीरो और 90 दोनों आपका सही है,
जीरो 90 जी दोनों सही है, पर आप 180 जब लेंगे तभी सही, तो ये जीरो हो गया और ये 90 डिग्री। देखो ध्यान से, एक्स और वाई दोनों प्रिंसिपल प्लेन्स हैं, क्यों? क्योंकि एक्स और वाई दोनों में शियर जीरो है, एक्स पर स्ट्रेस -10 है, वाई पर स्ट्रेस जीरो है, -10 छोटा है इसलिए हो गया σ2, और जीरो बड़ा है इसलिए हो गया σ1, और σ1 के लिए प्लेन जो आया वो आया θP1=90, और σ2 के लिए जो एक्स प्लेन आया वो 0 डिग्री। ये आप पहले भी देख के आंसर कर सकते थे, क्लियर? जब आप डाउटफुल आते हैं तो 0 और 180 में से कोई भी सही हो सकता है, क्योंकि tan 180 भी 0 होता है, tan 0 भी 0 होता है, tan 180 भी 0 होता है, हम क्यों 0 ही लें, ऐसा नहीं, 180 भी ले सकते थे। तो आंसर 0 और 90 दोनों सही है, पर 0 और 90 में आप चेक करेंगे कि सर जो पहला वाला प्रिंसिपल वो 90 है, तो इसलिए 90 इसके लिए ओके हो गया और 0 इसके लिए ओके हो गया। अनुराग बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई भी प्लेन आपको दिख जाए लोडिंग में, कहीं भी कोई भी प्लेन दिख जाए, अगर वहां सीयर जीरो हुआ, गुरुजी वो प्रिंसिपल प्लेन है, बस सीयर के साथ साथ नॉर्मल भी जीरो हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, जैसे यहां पर है, या सीयर भी जीरो है नॉर्मल भी जीरो है, ठीक है कोई बात नहीं, पर सीयर तय करेगा, नॉर्मल जीरो होना तय नहीं करेगा, सीयर जीरो होना तय करेगा कि ये प्रिंसिपल प्लेन है। नहीं नहीं, 180 लेने पर 90 और जीरो आ रहा है भाई, इसको आप जीरो ले सकते हैं और 180, तो 2θP 180 आएगा ना, एक 2θP 180 आ रहा है ना, θP या तो 90 और जीरो आएगा, बस यही ऑप्शन है और कोई नहीं, 180 नहीं आएगा, 180 नहीं, 0 और 90 आएगा। आप यहां tan 0 दो बार हो सकता है, 180 पर भी 0 पर भी, tan 0 हो सकता है 180, बिल्कुल बिल्कुल अब सही हो रहा है। चलिए, तो अब हमारे ख्याल से प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन और प्रिंसिपल की स्ट्रेस प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे, कोई कंडीशन नहीं, एक न्यूमेरिकल आप करिए, ईमानदारी से करिएगा थोड़ा, ठीक है, ईमानदारी से ये माल, और देख के बताना है आंसर। ये 10 मेगा पास्कल है और यहां पर आपका 10 मेगा पास्कल है, ठीक है, σ1 σ2 का मान बताइए, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू बताएं, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस and answer it quickly as soon as possible। देख के आंसर करो गुरुजी, पहला वाला भी प्रिंसिपल है, दूसरा वाला भी प्रिंसिपल है, σ1 10 आ गया, σ2 -10 आया कि नहीं आया यार, ये भी प्रिंसिपल है वो भी प्रिंसिपल है, कैसे पता चला? क्योंकि यहां भी सीयर जीरो, वहां भी सीयर जीरो, σ1 जो बड़ा वाला, σ2 जो छोटा वाला, बड़ा वाला 10 और छोटा वाला -10, आंसर खत्म, इतना ही सी करना था, छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, सीयर दोनों में जीरो बिल्कुल, और ऐसे भी हम अकेले नहीं आते, सीयर अकेले नहीं, वो कह रहा हमारे साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री आते, तो अगर हम जाते भी है तो दोनों जाते हैं, अगर हम जाते भी हैं तो दोनों, सीयर अकेले आता ही नहीं, और सीयर एक प्लेन में जीरो हुआ तो 90 वाले प्लेन में जीरो होना तय बात है। अगर यहां सीयर जीरो तो यहां भी सीयर जीरो होगा। प्रिया यादव गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आप सब लोग थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन किए, कोई बात नहीं, क्लास देख जरूर लीजिएगा, ठीक है, ये सारी चीज आप समझ, पॉजिटिव साइन लेंगे तो मैक्सिमम और निगेटिव साइन लेंगे तो मिनिमम। एक बहुत बेहतरीन इस इंपॉर्टेंट बात को ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए क्या बात लिखा हुआ है, हेडिंग क्या कहना चाहते हैं, हेडिंग में देखिए, लोकेशन ऑफ प्लेन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम सीयर स्ट्रेस। गुरुजी मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल, तो उसके लिए आप क्या किए थे, नॉर्मल वाले फार्मूले को डिफ्रेंशिएट किए थे, और संयोग की बात है कि वो सीयर की तरह कुछ फार्मूला आ गया था, ठीक है, तो आप किसी का मैक्सिमम मिनिमम जानने के लिए उसका स्लोप जीरो करेंगे। एक बात ध्यान रखिए, कोई अगर परिवर्तनशील है
तो तभी ऊंचाई पर होगा जब उसका स्लोप क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या तभी वो गहराई में भी होगा, मैक्सिमा या मिनिमा तभी होगा जब उसका स्लोप क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसलिए हर बार ये आप मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि किसी का उच्चिष्ट और निम्निष्ट अगर निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट करके पहले जीरो करो, तो जीरो से ये पता चलेगा कि इन पॉइंट्स पर वो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, इन पॉइंट्स पर वो मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। अब मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, इसके लिए एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पर मैक्सिमम मिनिमम इन्हीं पॉइंट्स पर होगा जहां उसका स्लोप जीरो होगा। जहां आपका स्लोप जीरो होता है वहीं पर आप कोई भी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। तो लोकेशन ऑफ एंगल या फिर लोकेशन ऑफ प्लेन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम सियर, मैक्सिमम एंड मिनिमम सियर स्ट्रेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम सियर स्ट्रेस, टाउ इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, टाउ इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, देन डी टाउ अपॉन डी थीटा इक्वल टू जीरो, इक्वेट किए। टाउ का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सर टाउ का फार्मूला बहुत आसान है, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा, किसी जनरल थीटा की बात कर रहे हैं, और प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, ये फार्मूला था। इसको आपने डिफरेंशिएट किया किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, और जब डिफरेंशिएट, ये फार्मूला अंदर रख दिया गया, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो निकल के क्या आएगा, एक बार ध्यान से देखिए, तो क्या निकल के आएगा, माइनस टाइम्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा का होगा टू कॉस टू थीटा, और इसके बाद यहां पर आएगा माइनस टाउ एक्स वाई, माइनस टाउ एक्स वाई टू साइन टू, ये माइनस कैसे आ गया सर, कॉस का निगेटिव होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो डिफरेंशिएट करने पर ये बातें आई, तो यहां से टू आप हटा लीजिए, तो आएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा इक्वल टू आएगा, और ये थीटा थीटा नहीं रहा, ये वह थीटा है जिस पर सियर मैक्सिमम मिनिमम हो सकता, ये वो थीटा है, मैक्सिमम सियर और मिनिमम सियर वाला थीटा है जब ही जीरो, और ये आएगा माइनस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। यहां से अगर आप देखें तो कॉट टू थीटा, कॉट टू थीटा आएगा माइनस टाउ एक्स वाई अपान टू, सॉरी अपान, ध्यान से देखो, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, बहुत बेहतरीन चीजें निकल के आई। इसको आप देखिए, आप अपने से देखिए, कोई लाइन अगर ना समझ में आए तो बताइए, एक बार हमने डिफरेंशिएट किया, और यहां पे संयोग से दोनों निगेटिव है, उधर जाके निगेटिव होने पॉजिटिव हो जा रहे थे पहले वाले में, पर इस बार दोनों निगेटिव हैं, तो ये इधर रहने दो, इसको उधर ले जाओ, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा और इक्वल टू 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 दोनों का कट जाएगा, टू टू दोनों का क्या होगा, कट जाएगा ये और ये, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यादव, गुड मॉर्निंग। तो हम आज ये जानना चाह रहे हैं कि किस प्लेन पर सियर मैक्सिमम और मिनिमम होगा, और जिस भी प्लेन पर सियर मैक्सिमम मिनिमम होगा वही आपका मैक्सिमम सियर प्लेन या मिनिमम सियर प्लेन होगा। तो उसके लिए हमने डिफरेंशिएट किया, और उसके बाद ये निकल के आया, अच्छा ऐसा क्यों निकाल लो, टेन क्यों नहीं इस बार निकाल रहा हूं, ठीक है। अगर हम इधर के टर्म्स को एक ही जैसा रखेंगे तो हमें दोनों में रिलेट करना आसान होगा, दोनों को क्या करना, जोड़ना आसान हो जाएगा, और कोई बात नहीं, समझ में आया। तो देखते हैं, तो यहां पर आपने cot 2 थीटा इस तरह निकाला, cot 2 थीटा आया, साइन के नीचे cos कर दिए, ये आया माइनस टाउ एक्स वाई अपान, और अगर इसी को माइनस हटा दो तो ये tan 2 थीटा पी था, यही क्या था, tan 2 थीटा पी था। अब ध्यान से देखो, या tan 2 अल्फा यहां पर दिखाया गया, अगर हम ये cot 2 अल्फा लिखते तो cot 2 इसको अल्फा दे दिए, वो थीटा पी था, ये अल्फा दे दी, कोई बात नहीं, तो ये आया था माइनस tau xy अपॉन सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई टू। अब इसको अगर हम ध्यान से थोड़ा और देखें तो cot 2 अल्फा, अल्फा यहां पर है मैक्सिमम सियर प्लेन का एंगल, इक्वल टू माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10
टू थीटा आया था कि नहीं? अगर हम इसी को हटा दें तो यही तो टेन टू थीटा है, तो कॉट टू अल्फा जो आया वो माइनस टेन टू थीटा आ गया, माइनस टेन टू थीटा आ गया। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये अल्फा क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम शियर प्लेन है, शियर प्लेन है। और थीटा क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल प्लेन। ठीक है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम शियर प्लेन और ये मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल प्लेन। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो कॉट टू अल्फा को हम लिख सकते हैं, देखिए टेन 90 प्लस थीटा, अगर देखें 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा होता है, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा काहे कर रहे हो गुरुजी, ऐसा आपके मन में काहे को आ रहा है? तो हम इसमें और इसमें संबंध निकालना चाहते हैं कि कितने एंगल पर चीजें होंगी, क्या होंगी। तो देखिए cot टू थीटा कोई दिक्कत नहीं, इसको निकालने में हमें नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम आई होगी, पर ये जब हमने रिलेट किया तो ये tan टू थीटा पी का माइनस टाइम्स था तो कर दिया। कॉट 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस टेन थीटा होता है, तो एक्चुअल में ये मान इसके बराबर ही लिखा गया है। कॉट 90 प्लस टू थीटा तो माइनस टेन टू थीटा भी होता, वही तो लिखा हुआ है। तो यहां से देखें तो टू अल्फा इक्वल टू 90 प्लस टू थीटा और अल्फा इक्वल टू थीटा प्लस 45 बाई नहीं 90 बाई टू मतलब 45। अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? थीटा प्लस 45। क्लियर हो रहा है ना? मतलब मैक्सिमम शियर प्लेन जो होगा वो प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पर होगा। थीटा क्या है? ये प्रिंसिपल प्लेन का एंगल है। और अल्फा क्या है? शियर प्लेन का एंगल। और जो थीटा होगा, अगर थीटा 0 है तो अल्फा 45 है, अगर थीटा 10 है तो अल्फा 55 है। समझ में आ रहा ना? तो मैक्सिमम शियर प्लेन और मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन, मैक्सिमम शियर प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन के बीच का कोण 45 डिग्री होता है। बीच का कोण क्या होता है? 45 डिग्री होता है। देखिए अल्फा इक्वल थीटा प्लस 45। समझ में आ रहा है? कल चीजों को और आगे हम बढ़ाएंगे शियर प्लेन को, और कल ये टॉपिक खत्म होगा और मोहर सर्किल स्टार्ट हो जाएगा। ये टॉपिक कल खत्म करके हम लोग मोहर सर्किल स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद आप लोग को बहुत आसान आसान चीजें समझ में आ जाएंगी। सॉरी। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा रहा? जो लोग बाद में ज्वाइन किए वो भी क्लास पूरा कर लेंगे, क्योंकि क्लासेस सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रेगुलर चीजें करनी ही पड़ेगी। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो मान लो कम आते हैं, सेकंड की तुलना में कम आते हैं, पर इसी क्वेश्चन से आगे के चैप्टर्स को आप पढ़ पाएंगे। तो इस चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा कि किस प्लेन में क्या कैसे क्या हो रहा है, हम दोनों प्लेन के बीच का कोण क्या है कैसे। तो ये सारी चीजें हम सब लोग कल फिर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही कहते हैं। आप सब लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, रेगुलर क्लासेस करते रहें। फिर मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। कल भी क्लास होगी, संडे की क्लास होगी यहीं पर। आज करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।